हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा जस्टिस, जो लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। ये प्ले पब्लिश किया गया था 1910 में, और ये उस मूवमेंट का हिस्सा था जिस मूवमेंट में ब्रिटेन वासी मांग करते थे अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने की। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था उस दौर में इतनी करप्ट थी कि ऐसा लगता था कि वहाँ अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग नियम हैं। इस प्ले जस्टिस की इम्पॉर्टेंस ब्रिटेन के इतिहास में बहुत अधिक है। इसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इस प्ले को थिएटर्स में शुरुआती दिनों में दिखाया जा रहा था तो खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इस प्ले को देखने के लिए ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर गए थे। इसकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा आप एक बात से और लगा सकते हैं। भारतीय साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद ने भी जस्टिस से प्रेरित होकर एक नाटक लिखा था जिसका नाम था न्याय। जस्टिस कहानी है एक ऐसे गरीब 23 साल के नौजवान लड़के की जो एक अपराध कर ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में पिसकर रह जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या फाल्डर को न्याय मिलता है। अगर फाल्डर को न्याय मिलता है तो वो किस तरह का होता है। शुरू करते हैं जस्टिस का नरेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देखेंगे लास्ट तक और लास्ट में मुझे देंगे मेरे सवालों के कुछ जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं जस्टिस, जो लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। कहानी शुरू होती है जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के ऑफिस से। ये दोनों शहर के जाने माने सॉलिसिटर्स हैं। जेम्स हाउ को पता चलता है कि जो चेक उन्होंने जारी किया था उसमें लिखी रकम को 9 पाउंड से 90 पाउंड कर दी गई और उस चेक को कैश करा लिया गया है। जेम्स हाउ अपने बेटे वाल्टर हाउ से पूछते हैं तो वाल्टर बताता है कि उसने चेक कॉक्सन को दिया था। रॉबर्ट कॉक्सन इनके ऑफिस में काम करने वाला एक सीनियर क्लर्क है जो मैनेजिंग क्लर्क की पोस्ट पर है। कॉक्सन ने पूछने पर बताया कि उसने चेक डेविस को दिया था जो एक जूनियर क्लर्क था। वो ऑस्ट्रेलिया गया था। सभी को लगा कि विदेश जाने के लिए उसी ने यह काम किया था। बैंक के कैशियर कावली को बुलाया गया तो उसने विलियम फाल्डर नाम के एक दूसरे जूनियर क्लर्क को पहचानते हुए बताया कि विलियम फाल्डर ने ही बैंक से चेक को कैश कराया था। जेम्स हाउ के पूछने पर फाल्डर अपना जुर्म कबूल करते हुए बताता है कि वह रुथ हनीविल नाम की एक शादीशुदा लड़की से प्यार करता है जिसका पति शराब के नशे में उसे मारता है, उसका सेक्सुअली और सोशली हैरेसमेंट करता है। उसका प्लान था कि वो इन पैसों से रुथ हनीविल के साथ अमेरिका भाग जाएगा और जैसा उसने रुथ हनीविल से वादा किया था वो उसे एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करेगा और उसे उसके पति की ब्रिचुअलिटी से बचाएगा। एक बार रुथ के पति ने शराब के नशे में रुथ को मारने की कोशिश की थी, जान से मारने की कोशिश। तब रुथ भागकर फाल्डर के पास आ गई थी। इसी घटना के बाद फाल्डर ने उसके साथ अमेरिका भागने का प्लान बनाया था। वाल्टर हाउ अपने पिता जेम्स हाउ से विनती करता है कि वो फाल्डर को छोड़ दें, पर जेम्स हाउ एक लॉ रेस्पेक्टिंग और हाई वैल्यूड व्यक्ति हैं। वो फाल्डर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फाल्डर पैसे लौटाने को भी कहता है लेकिन जेम्स एक नहीं सुनते। सेकंड एक्ट शुरू होता है कोर्ट रूम में। यहाँ सीन्स बहुत ड्रामेटिक और साइकोलॉजिकल हैं। 23 साल का नौजवान फाल्डर कटघरे में खड़ा है जो सोशली वीक है। रुथ हनीविल उसकी जान, उसकी प्रेमिका, प्रेम से भरी
कोर्ट रूम में बेचैन है कि वो फाल्डर को बचा पाएगी या नहीं। फाल्डर का केस लड़ रहे हैं लॉयर हेक्टर फ्रोम, जो एक नौजवान हैं, जिनकी सोशल फिलॉसफी के ऊपर दी गई स्पीच एक्ट सेकंड की जान है। लॉयर फ्रोम फाल्डर को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक दलीलें पेश करते हैं। लॉयर फ्रोम इस बात को कोर्ट में नहीं नकारते कि फाल्डर ने चेक के साथ छेड़छाड़ की है, बल्कि वो फाल्डर की इस दुर्दशा व मनोदशा का सारा इल्ज़ाम समाज की बुराइयों पर मढ़ते हैं। लॉयर हेक्टर फ्रोम अदालत में दलील देते हुए कहते हैं कि किसी भी जुर्म के पीछे अपराधी का सामाजिक जीवन दोषी होता है, वही सामाजिक जीवन उसके अपराध को जिंदा करता है। फ्रोम अदालत को फाल्डर का एक दूसरा रूप दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है कि फाल्डर एक औरत पर उसके पति द्वारा अत्याचार को होता देख रहा था। उस औरत को वो बहुत प्यार करता था। उसके पति ने शराब के नशे में उस औरत को मारने की कोशिश की। जब वो भागकर फाल्डर के पास पहुंची, तो उसने उसे बचाने की कोशिश करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय देश छोड़कर भागने से। लॉयर हेक्टर फ्रोम फाल्डर के किए गए अपराध को इमोशन में किया गया एक कार्य बताना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के वकील हैरोल्ड क्लीवर, जो शहर के जाने माने वकील थे और बहुत उम्र के थे, अपनी दलीलों से जस्टिस फ्लॉड, जो इस केस में जज हैं, उनको सजा देने पर मजबूर कर देते हैं। जज फ्रोम की सारी दलीलें ठुकराकर फाल्डर को रुपए के गबन और एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाने के जुर्म में उसे 3 साल की सजा सुनाते हैं। एक गरीब फाल्डर और सोशली वीक रुत की दलीलें अमीर जजों और सोसाइटी के कानों तक नहीं पहुंचती। जज और ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था रुत के अमीर पति को उसकी पत्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में सजा देने के बजाय गरीब फाल्डर को सजा देते हैं, जबकि फाल्डर चुराए गए पैसे लौटा देता है और उसके जुर्म करने की वजह भी एक नोबल वजह होती है। एक्ट थर्ड शुरू होता है। कॉक्सन, जो सॉलिसिटर्स का सीनियर क्लर्क था, वो जेल आता है और जेल के गवर्नर कैप्टन डैनसन से मिलता है। कॉक्सन गवर्नर से कहता है कि वो फाल्डर के बारे में बात करने आया है। फाल्डर की बहन ने कॉक्सन से अपनी भाई के हालात पूछने के लिए कॉक्सन को वहाँ भेजा था। गवर्नर कॉक्सन को बताते हैं कि फाल्डर को 1 महीने के लिए अकेले सेल में रखने की सज़ा मिली है और उससे अभी कोई नहीं मिल सकता। कॉक्सन यह सुनकर दुखी हो जाता है। कॉक्सन गवर्नर को फाल्डर के रुत से प्यार करने की कहानी बताता है कि किस तरह रुत का पति उसके साथ ज्यादती करता था। कॉक्सन गवर्नर को बताता है कि रुत ने फाल्डर के लिए संदेश भेजा है कि वो उसका बाहर इंतज़ार कर रही है। कॉक्सन गवर्नर को बताता है कि उसे 3 साल की सज़ा मिली है। मुकदमे के दौरान ही उसे बहुत मेंटली दुख उठाने पड़े हैं। वो कोई शातिर अपराधी नहीं है जो अकेले सेल में रहने की सज़ा झेल पाए। जेल के पादरी द रैव ह्यू मिलर कॉक्सन की बातें सुनकर गवर्नर से कहते हैं कि मैं कॉक्सन की बातों से सहमत नहीं हूँ। पादरी मिलर जेल के डॉक्टर एडवर्ड क्लीमेंट को बुलाते हैं। डॉक्टर एडवर्ड गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं कि फाल्डर को, जो अकेले सेल में सजा काट रहा है, उससे उसकी मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉक्सन कहता है कि फाल्डर ये मेंटली टॉर्चर सहन नहीं कर पाएगा। वो गवर्नर से अपील करता है कि रुत को फाल्डर से मिलने की इजाज़त दी जाए, ये दोनों के लिए अच्छा होगा, पर गवर्नर मना कर देते हैं। कॉक्सन दुखी होकर वापस लौट जाता है। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि फाल्डर को 1 महीने अकेले सेल में रहने की सज़ा क्यों मिली थी। इसमें फाल्डर का कोई दोष नहीं था। प्ले में 3 अपराधी और हैं जो जेल में अपने अपने अपराध की सज़ा काट रहे हैं। मॉनी नाम का एक कैदी एक छोटी आरी हाथ से बनाता है।
जिससे वो अपने सेल की विंडो बार्स को काटने में कामयाब रहता है। इस घटना का पता जेलर वुडर को चलता है। इस जेल के जेलर का नाम वुडर है। एक घटना और होती है जिसमें एक कैदी ओ क्लियरी सुबह सुबह अपने सेल का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। इन सब घटनाओं से जेल के अनुशासन टूटने के डर से गवर्नर सभी कैदियों को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर देते हैं। एक बार गवर्नर जेल के दौरे पर निकलते हैं। पहले वो मौनी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो दोबारा आरी का प्रयोग नहीं करेगा। फिर वो क्लिफ्टन नाम के कैदी के पास जाते हैं जो बूढ़ा हो गया है। वो गवर्नर से कहता है कि उसे इस सेल में नींद नहीं आती। फिर गवर्नर ओ क्लियरी के पास जाकर उसके दरवाज़े पीटने का कारण पूछते हैं। वो कहता है कि इस तरह वो अपने आप से बातें करता है। जब गवर्नर फाल्डर के पास पहुंचते हैं तो फाल्डर गवर्नर को बताता है कि उसे नींद नहीं आती। गवर्नर फाल्डर से कहते हैं कि वो बाहर के जीवन की टेंशन लेना छोड़ जेल में रहने की आदत डाले। गवर्नर डॉक्टर एडवर्ड क्लीमेंट को फाल्डर की जांच करने को कहते हैं। डॉक्टर गवर्नर को बताते हैं कि फाल्डर बस नर्वस है, बाकी फाल्डर को और कोई समस्या नहीं है। फाल्डर उस सेल में अपने आप को पिंजरे में बंद जानवर समझता है जिसे बाहर के शोर की एक आवाज़ भी नहीं आती। एक्ट फोर्थ शुरू होता है 2 साल बाद कॉक्सन के रूम में। जैसा हम जानते हैं कि फाल्डर को 3 साल की सज़ा हुई थी, पर उसे 2 साल में इस शर्त के साथ छोड़ दिया गया कि उसे हर हफ्ते डिटेक्टिव को जाकर रिपोर्ट करनी होगी, जिस तरह हम थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं। फाल्डर को एक जॉब भी मिल गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों के तानों से तंग आकर 3 हफ्तों में ही फाल्डर ने वो जॉब छोड़ दी थी। ये सारी बातें कॉक्सन को रुथ बता रही थी, जो उनके ऑफिस में कॉक्सन से मिलने आई थी। कॉक्सन रुथ से पूछता है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। रुथ कहती है कि उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि 2 बच्चों को पाल सके, क्या आप फाल्डर को दोबारा नौकरी नहीं दे सकते? कॉक्सन रुथ से कोई वादा नहीं करता, पर सॉलिसिटर्स जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से बात करने का आश्वासन देता है। कॉक्सन फाल्डर से कहता है, ये अब दूसरी मुलाकात है, रुथ के साथ कॉक्सन की मुलाकात अलग हुई थी, अब कॉक्सन फाल्डर से अलग मिल रहे हैं। कॉक्सन फाल्डर से कहता है कि उसने सॉलिसिटर से तुम्हारी नौकरी की बात करने का मन बनाया है। फाल्डर कॉक्सन को अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताता है कि कैसे समाज उसे जीने नहीं दे रहा। वो जहाँ भी नौकरी करने जाता है वहीं उसके साथ उसके पास्ट को लेकर बदतमीजी की जाती है। कॉक्सन जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से मिलता है, यानी अपने बॉसेस से, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो फाल्डर को दोबारा नौकरी दें। सीनियर जेम्स हाउ नहीं चाहते कि एक अपराधी उनके ऑफिस में काम करे, लेकिन जूनियर वॉल्टर हाउ चाहते हैं कि फाल्डर की मदद की जानी चाहिए। जेम्स फिर कॉक्सन को कहते हैं कि फाल्डर ऑफिस में काम कर सकता है, लेकिन उसे शर्तों को मानना होगा। पहली शर्त ये होगी, फाल्डर को अपने दिमाग से यह निकालना होगा कि उसके साथ गलत हुआ है और उसे अन्याय के साथ जेल भेजा गया। दूसरा, उसे रुथ हनीविल के साथ रहना छोड़ना होगा, उसे रुथ को छोड़ना होगा। जेम्स को लगता है कि उनके फर्म में एक ऐसा आदमी काम नहीं कर सकता जो मोरली स्ट्रांग ना हो, यानी जिसका कहीं अफेयर चल रहा हो, क्योंकि उस वक्त किसी शादीशुदा औरत से अफेयर इलीगल और सामाजिक तौर पर इसे गलत माना जाता था। अगर फाल्डर रुथ को छोड़ता है तो वह ऑफिस आ सकता है। कॉक्सन जब ये शर्तें फाल्डर को बताता है तो वो कहता है कि रुथ का प्यार ही वो चीज़ है जिसने मुझे बुरे वक्त में संभाले रखा। रुथ के प्यार ने ही उसे वो हिम्मत दी है जिससे वो ये सब झेल पाया। फाल्डर और रुथ को जेम्स हाउ अलग अलग बुलाकर पूछते हैं कि क्या वो शर्तें मानने को तैयार हैं। फाल्डर मना कर देता है,
जब जेम्स रुथ से पूछते हैं कि अगर वो चाहती है कि फाल्डर को जॉब मिल जाए तो वो उसे छोड़ दे। रुथ फाल्डर की ज़िंदगी में आए भूचाल की वजह अपने आप को मानती है। वो फाल्डर को और तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए वो फाल्डर को छोड़ने का फ़ैसला लेती है। यह सुनकर फाल्डर अंदर से टूट जाता है। फाल्डर और रुथ को वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है। जेम्स, वॉल्टर और कॉक्सन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डिटेक्टिव विस्टर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ फाल्डर को गिरफ्तार करने आए हैं। उसने कई हफ्तों से स्टेशन पर रिपोर्ट नहीं की है। कॉक्सन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कि फाल्डर और रुथ अभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, वो डिटेक्टिव विस्टर से कहते हैं कि वो किसी और दिन आए, अभी फाल्डर यहाँ नहीं है। पर डिटेक्टिव विस्टर फाल्डर की कैप टेबल पर रखी देख लेते हैं, जो वो वेटिंग रूम जाते वक्त वहीं भूल गया था। डिटेक्टिव विस्टर वेटिंग रूम जाते हैं और फाल्डर को अरेस्ट कर लेते हैं। डिटेक्टिव फाल्डर को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं, तभी फाल्डर अपने आप को जान पूछ कर नीचे गिरा लेता है। सीढ़ियों पर गिरने से उसकी गले की हड्डी टूट जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। गिरने की आवाज़ पर सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। रुथ बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। कॉक्सन और वॉल्टर उसे संभालते हैं। फाल्डर की डेड बॉडी को देखकर कॉक्सन रुथ से कहता है, नो वन वुड टच फाल्डर नाउ, ही इज सेफ विद जेंटल जीजस। अब फाल्डर को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, ना समाज ना कानून, अब वो जीजस की शरण में है। तो ये था जस्टिस, एक गरीब फाल्डर का, जिसमें अमीर सोसाइटी और ब्रिटेन की करप्ट न्याय व्यवस्था ने एक गरीब और दयालु आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जस्टिस का नरेशन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मार्मिक और इंटरेस्टिंग कहानी थी। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे करूंगा कुछ सवाल, तो सवालों के जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और सवालों के जवाब भी दीजिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपके सवाल ये रहे। Thank you.